की कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी जिलाध्यक्ष के लिए चल रहा है इंटरव्यू। बता दें कि इस इंटरव्यू के पैनल में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता सतीश कुमार मुनि ने बताया कि अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष के लिए साक्षात्कार कांग्रेस भवन में चल रहा है। उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट जिलाध्यक्ष की रेस में शामिल है उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के सदस्यता अभियान में उनकी कितनी सहभागिता रही है। राजधानी रांची में सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची में नमो टॉय बैंक की शुरुआत की जा रही। इस टॉय बैंक की शुरुआत के पीछे का मकसद है खेलता रहे बचपन। बता दें कि सांसद संजय सेठ की पहल के चलते पहले से ही बुक बैंक चलाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से गरीब तबके के बच्चों को जो किताब नहीं खरीद पाते हैं या फिर जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें इस बुक बैंक की मदद से किताब उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तर्ज पर टॉय बैंक की स्थापना भी की जा रही है, जिससे हर वर्ग के बच्चे खिलौने से खेल सके। खिलौना बैंक की शुरुआत में अभी तक के उपलब्ध खिलौनों को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच भेजा जा रहा है। जामतारा के मेहजाम में सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के एक स्कूल में हेल्दी फूड सेलिब्रेशन मनाया गया, जहां मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया और बच्चों को हेल्दी फूड और जंक फूड के गुण और अवगुणों को बताया। बता दें कि इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर सही पौष्टिक भोजनों की जानकारी दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि संतुलित स्नैक में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा होते हैं। ये खाने के सामान सस्ते होते हैं और अच्छी मात्रा में ऊर्जा और कुछ प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। जामतारा के मेजराम में रेलवे फाटक के हमेशा बंद रहने के चलते लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया। हर रोज सुबह शाम सड़क पर जाम में फंस कर लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं जिले में पिछले दिनों हुए कई आपराधिक घटनाओं ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है और लोग प्रशासन से अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। लातेहार के सीआईसी सेक्शन के टोरी जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग की है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और रेल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है टोरी जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर ब्रिज नहीं होने के चलते हमेशा इस तरह के हादसे होते रहते, जिसके चलते राहगीर जान जोखिम में डालकर लाइन पार करने को विवश है। देश की आजादी के 75वें साल के मौके पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में बिजली उपभोक्ता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैसे ये कार्यक्रम उपायुक्त ऑफिस में आयोजित किया गया था, जहां सांसद विद्युत वरण महतो सहित विधायक प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। वैसे बिजली उपभोक्ता दिवस पर बिजली की समस्या का समाधान कैसे हो, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिजली कैसे मिले, उपभोक्ता परेशान ना हो, इन मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही बिजली बिल और ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था सही कैसे हो, इस पर भी रणनीति बनाई गई। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने बिजली उपभोक्ता दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और कोयले की प्रचुरता के चलते झारखंड पूरे देश को बिजली दे सकता है। उन्होंने कहा जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है और औद्योगिक नगरी में बिजली का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शराब पीने और बेचने का गोरख धंधा लगातार जारी। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर शराब पीने और बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने तेघड़ा बाजार में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी का कहना है कि उसके पिता शराब पी रहे थे जो फरार हो गए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। इसके अलावा तेघड़ा निवासी विकास कुमार, बदलपुरा निवासी संजय राय, पैगंबरपुर निवासी अजय राय, बदलपुरा सतीश राय को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय लदौरा अड्डी के प्रभारी प्रधानाध्यापक खुद स्कूल का शौचालय साफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है शौचालय साफ करने का वीडियो किसी शिक्षक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि शौचालय साफ करने को लेकर कोई कर्मी नहीं मिलने के कारण खुद ही शौचालय को साफ करना पड़ा। गया के बोधगया रिवर साइड रोड में बाबा धाम से बोधगया आने के दौरान कांवरियों की मौत गाड़ी पलटने से हो गई। गाड़ी पर कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया। बताया जा रहा मृतक सिवान के सैदपुर का रहने वाला था। खगड़िया में यूथ क्लब के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी पूरे खगड़िया शहर में भ्रमण किया और लोगों को नशा मुक्त खगड़िया बनाने का
संदेश भी दिया गया। प्रभात फेरी कार्यक्रम स्कूली बच्चों के अलावा यूथ क्लब के अधिकारी और सदस्यों के अलावा शहर के चर्चे डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हुए। बेगूसराय में बेरियल वसूलने वालों ने रिक्शा चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी। इससे नाराज ई रिक्शा चालकों ने शहर के हर हर महादेव चौक पर NH31 जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही रिक्शा चालकों में काफी आक्रोश है। रिक्शा चालक की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने और बेरियल वसूली बंद करने की मांग कर रहे हैं। चालकों का कहना है कि जबरन शहर के कई इलाकों में बेरियल वसूली की जाती है और बेरियल नहीं देने पर मारपीट की जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित रिक्शा चालकों को समझाने का प्रयास कर रही है। सिवान में सीमेंट व्यवसायी के इनोवा गाड़ी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाशों ने सीमेंट व्यवसायी जितेंद्र यादव को अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। व्यवसायी अपने परिवार के साथ इनोवा गाड़ी से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सीमेंट के पैसे के लेनदेन में घटना की आशंका जताई जा रही है। ये घटना आंदर थाना क्षेत्र के तियाई पुल के समीप की है। सीमेंट व्यवसायी आसाव थाना क्षेत्र के भचौली गांव के रहने वाले जितेंद्र यादव है। घटना की सूचना मिलते ही आंदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इनोवा कार सीमेंट कारोबारी की पत्नी, बच्चों और ड्राइवर को लेकर थाने चली गई। फिलहाल पुलिस सीमेंट व्यवसायी के परिजनों से पूछताछ कर घटना की जाँच में जुटी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इस बार भी होने वाले कार्यक्रम COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत होंगे और इस बार भी जिला में जिलाधिकारी झंडा फहराएंगे। प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडल में झंडा फहराएंगे। प्रभारी मंत्री इस बार झंडा नहीं फहराएंगे। इस बार भी कार्यक्रम में जनता को निमंत्रण नहीं होगा। कैबिनेट सचिवालय ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बिहार सचिवालय और बिहार विधानमंडल की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। इसको लेकर गृह विभाग की ओर से बुलाई गई है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार बिहार विधानमंडल और सचिवालय की सुरक्षा काफी कड़ी की जा रही है। सचिवालय में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही गाड़ी पार्किंग के लिए टोकन दिया जाएगा। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी से मिलना है तो इंटरकॉम लगाया जा रहा है। इंटरकॉम के माध्यम से जब तक कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से पुष्टि नहीं की जाएगी उससे सचिवालय के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सचिवालय में हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे और इसके साथ ही CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हर गेट पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती का निर्देश दिया गया है। मुंगेर के पौष इलाकों में शुमार किला के दक्षिणी गेट के समीप पर नॉर्थ फोर्स से लिखी लाखों रुपए के इंजेक्शन और दवाई सड़क पर फेंकी पड़ी हुई है। इसमें कुछ इंजेक्शन एक्सपायर तो कुछ बिना एक्सपायर भी शामिल है। अधिकांश वैक्सीन ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है और इसके अलावा कई गंभीर बीमारियों में टीके लगाए जाने वाली सुई और वैक्सीन है जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण वो एक्सपायर हो चुकी है। उसे विभाग के पास वापस भेजकर सड़कों पर फेंक दिया गया। वहीं सड़कों पर वैक्सीन और दवाई फेंके जाने के कारण स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन प्राणनाथ मोहन सहाय ने बताया कि अगर मुंगेर जिले की दवाई होगी तो उसका विभागीय जांच किया जाएगा और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के करीब बिरसा चौक पुल के पास मालवाहक गाड़ी ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही कार रेलवे ब्रिज की दीवार को लांघते पटरी पर गिरी और दूसरी ओर से आ रही मालवाहक गाड़ी ने इसे रौंद दिया। हालांकि इस घटना में किसी की जान जाने और घायल होने की खबर नहीं है। गोपालगंज में तेज रफ्तार वाहन ने कोचिंग से लौट रहे दो छात्रों को कुचल दिया जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। घटना बड़ौली थाना इलाके के सोनबरसा NH27 की है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और वाहन चालक की गिरफ्तारी के साथ मुआवजे की मांग की। मृतक दोनों छात्र चचेरे भाई है जिनकी पहचान सोनबरसा गाँव के रहने वाले के तौर पर की गई है। गिरडी के बड़गंडा पुराना उत्तरी पुल के पास युवती का शव मिला है और इसे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। बेतिया के सिक्टा बाजार में भाई ने अपने ही भाई अशोक कुमार से 1 लाख की रंगदारी मांगा है। कन्हैया कुमार ने रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान चबाने की धमकी दी। यही नहीं, आरोपी ने पेरत के दुकान पर मारपीट भी किया और दुकान में ताला जड़ दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अशोक कुमार ने बताया कि मैं दुकान में बैठा था तभी मेरे भाई कन्हैया कुमार अपने बेटे रोहित और मोहित कुमार आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई पत्नी के साथ भी मारपीट किया जिसमें अशोक कुमार और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। अशोक कुमार ने सिक्टा थाने में कन्हैया कुमार और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।
सुल्तानगंज थाना इलाके के रहने वाले एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। परिजनों के मुताबिक ग्रामीण की तरफ से जानकारी मिलने के बाद लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर उन्हें घटना के बारे में पता चला। परिजनों के मुताबिक मृतक ने IAS-C की परीक्षा पास की थी और NCC में C सर्टिफिकेट हासिल किया था और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था।